धनबाद आरपीएफ को रेलवे ट्रैक पर 16 वर्षीय अंकुश चौरसिया का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। घटना में मृतक के पिता ऑटो चालक पिता धर्मेंद्र चौरसिया ने उसके दो दोस्तों के खिलाफ धनबाद थाने में हत्या का आरोप लगाकर प्राथमिकी दर्ज कराई है। मृतक किड्स गार्डन स्कूल का छात्र था, उसने 10वीं की परीक्षा दी थी और परिणाम का इंतजार कर रहा था। धर्मेंद्र चौरसिया ने पुलिस को बताया कि उनका पुत्र 14 जून के शाम 6:30 बजे घर में बताकर निकला है कि उसके दोस्त विवेक और के जन्मदिन की पार्टी मांगी है। वह दोस्तों को पिज्ज़ा खिलाने के लिए गोल्फ ग्राउंड जा रहा है। शाम 7 बजे जब उसकी मां ने उसे फ़ोन लगाया तो फ़ोन बंद आने लगा। घर वाले उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लेकर धनबाद थाने पहुँचे। इस बीच रात 11 बजे अंकुश के मोबाइल नंबर से फ़ोन आया। फ़ोन करने वाले ने बताया कि वो आरपीएफ जवान है, आसनसोल में जाने वाले रास्ते में ढोकड़ा ओवरब्रिज के नीचे ये मोबाइल मिला है, आप लोग यहाँ आ जाइए। वहाँ पहुँचने पर पता चला कि पुत्र अंकुश का शव रेल पटरी के बगल में पड़ा है। पुत्र के सिर, पेट और घुटने पर गंभीर चोट के निशान मिले। आरपीएफ ने धनबाद पुलिस को जानकारी दी। पिता का दावा है कि विवेक ने ही अपने विनोद नगर निवासी दोस्त सुजल कुमार सिंह के साथ मिलकर उनके बेटे की हत्या कर दी। हत्या का कारण बताया गया कि अप्रैल में विवेक ने बेटे को कफ सिरप पिला दिया था जिससे उसे नशा हो गया था। इसके लिए उन्होंने विवेक को डांट फटकार लगाई थी। पुलिस इस मामले की जांच हत्या, आत्महत्या और दुर्घटना के एंगल से जांच कर रही है। तो क्या हुआ था? 14 तारीख को शाम में ट्यूशन पढ़ के आया। तो तुरंत हम तो थे नहीं घर में, मम्मी थी, तो मम्मी को बोला कि मम्मी जी मेरा दोस्त बर्थडे का पार्टी मांग रहा, तो हम जा रहे हैं पिज्जा खिलाने। मम्मी बोले कि कौन दोस्त है, तो बोला कि सौरभ है, जो बोला गोल ग्राउंड पर खड़ा है, तो हम जा रहे हैं पिज्जा खिला के आते हैं। उसके बाद वो उसको मम्मी जाने दी गई, गया वो। उसके बाद हम लोग 7 बजे उसका मोबाइल ट्राई करें तो स्विच ऑफ बतला रहा, तो हम लोग फिर खोजकाज करने लगे, नहीं मिला। थाना गए रिपोर्ट लिखवाने के लिए। कौन थाना? धनबाद थाना गए। इसका गुमसुती का रिपोर्ट लिखाएंगे, तो धनबाद थाना वाला रिपोर्ट नहीं लिखा, बोला कि 24 घंटा जब तक नहीं होगा, अभी 2 घंटा गए हुए हो गए तो 2 घंटा में कहीं भी जा सकते हैं इधर उधर, तो अभी रिपोर्ट नहीं लिखा है, आप कल सुबह आइए। हम लोग ठीक है, फिर रात में PMCH गए पता करने के लिए, PMCH से भी कुछ पता नहीं चला। फिर कोर्ट में पहुँचे तब मोबाइल में मैसेज आया, उसका मोबाइल चालू हो गया। इसका नानी फ़ोन की कि बेटा उसका देखो मोबाइल चालू हो गया, क्या हो गया, बात करते हम लोग बात किए, तो आरपीएफ वाला फ़ोन उठाया, आरपीएफ वाला बात से हुआ, तो मेरा बेटा से बात हुआ, तो बोला कि आप फ़ोन लगते हैं, तो बोला भाई है उसका, तो आपका फ़ोन भाई है तो कैसा कपड़ा पहनता है, कपड़ा बतलाया। उसके बाद बोला कि जे आप लोग आ जाइए यहाँ रेलवे ट्रैक पे, बरमसिया वाला ब्रिज से 2 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर आगे है आसनसोल की तरफ। हम लोग फिर वहाँ गए तो बोला कि हाँ मोबाइल हमको खोजते खोजते मिला, तो मोबाइल वो एयरप्लेन मोड में डाला हुआ था, वो जब चालू किया तो मैसेज ढेर सारा देखे हैं, तो आप लोगों को खबर डायरेक्ट गुमशुदगी का नहीं लिया गया, तो फिर गुमशुदगी का नहीं हुआ है, फिर हम लोग ये गुमशुदगी के लिखाने के फिर हम लोग कल केस दर्ज कराएं धनबाद थाना में। आप लोग धनसार पड़ता है कि धनबाद पड़ता है? हम लोग हीरापुर में रह रहे थे ना, यहाँ मेरा अपना घर, हम लोग हीरापुर में किराए में रहते हैं। अच्छा, तो कांड उसी में हो तो धनबाद थाना में आता है। अच्छा, किसी को संदेह उन्दे कुछ संदेह है वो हम लोग थाना में लिखवा दिए हैं। ठीक है, ऐसे घर से बोल के किया था कि सौरभ बुलाया है। ठीक है, सौरभ कौन है? सौरभ इसका स्कूल का दोस्त है। पहले कुछ कभी ऐसा हुआ था क्या? पहले सौरभ के साथ तो कुछ नहीं हुआ था, लेकिन अब हम लोग को पता चला हमको कि सौरभ का विवेक के साथ दोस्ती है। एक विवेक हमारे घर में ये रेंटर है, तो वो अभी से करीब 2.5 महीना पहले रामनवमी के दिन हम और मेरा बड़ा बेटा नहीं थे, गए थे रांची गए थे।